नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज से। हम सब ने कभी ना कभी आधार कार्ड नंबर पर सिम कार्ड यानी मोबाइल नंबर जरूर इशू कराया होगा, और हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए या खुद के पर्सनल यूज के लिए भी एक ही आधार नंबर पर यानी हमारे खुद के आधार नंबर पर एक से ज्यादा सिम्स कई बार कंपनी से या अलग अलग कंपनियों से निकलवा लेते हैं। तो ऐसे में साइबर क्राइम को रोकने के लिए कि कोई और व्यक्ति आपके आधार कार्ड पर कोई सिम ना ले रखा हो या कोई मिसयूज ना कर रहा हो, सरकार ने, भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है, जिसके तहत आप एक वेबसाइट के लिंक जो आप इस समय मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है www.tafcop.dgtelecom.gov.in, यानी ये सरकारी लिंक है। इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड नंबर पर कितने मोबाइल सिम्स इशू हो रखे हैं। तो अब जानते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है, ये पूरा प्रोसेस। तो इस लिंक को जो हमने दिखाया है उसे हम ओपन कर लेते हैं वेब ब्राउजर में। देखिए, अगर हम इसे वेब ब्राउजर में खोलेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा जिस पे लिखा हुआ है TAFCOP पोर्टल, यानी कि द टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए ये लिंक बनाया गया है। इसमें जो आप ये कॉलम देख रहे हैं, ये एंटर यूर मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपने किसी आधार, अपने आधार नंबर से लिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर को आप एंटर करेंगे। जैसे मेरा मोबाइल नंबर मैं एंटर कर देता हूं, 9466966929। इसके बाद मैं इस पे एक OTP मंगवाऊंगा, नीचे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट OTP, तो रिक्वेस्ट OTP पे मैं क्लिक करूंगा। आप देख रहे हैं कि OTP एंटर करने के लिए बोल रहा है, मैं देख लेता हूं कि मेरे मोबाइल पर OTP आया है क्या। देखिए, ये मेरे पास OTP आ गया है, मैं इस OTP को एंटर कर देता हूं। OTP है 308432, ये मैंने OTP एंटर कर दिया। अब देखते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। देखिए, जैसे ही मैंने OTP डाल दिया अपने मोबाइल नंबर के साथ, यहाँ पर आ गया है लिस्ट ऑफ मोबाइल नंबर्स रजिस्टर्ड ऑन योर IDs, यानी आपकी आईडी पर, आधार आईडी पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। और इसमें साफ तौर पर यह भी लिखा हुआ है कि आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आपके नाम पर नहीं है या उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, और उसको आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं विभाग को, टेलीकम्युनिकेशन विभाग को, कि ये नंबर जो है मेरे नाम पर नहीं है, मैंने नहीं लिए है या ये मुझे इनकी जरूरत नहीं है, और ये रिपोर्ट भी आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरे मोबाइल नंबर पर, लगभग मेरे आधार कार्ड पर 8 नंबर ये रजिस्टर्ड शो कर रहा है इस समय अपनी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी पहल भारत सरकार की ओर से, और पूरी तरह से सरकारी वेबसाइट है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अक्षरों में, कैमरामैन को कहूंगा कि क्लोजअप करके दिखाएं, कि ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जो पूरी तरह से सेफ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि टेलीकम्युनिकेशन, जो टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी फ्रॉड को रोकने के लिए और ग्राहक की सुरक्षा के लिए इस लिंक को बनाया गया है। और इसमें आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई भी मोबाइल नंबर जो आप सिलेक्ट करते हैं, इन 8 के 8 मोबाइल नंबर्स के आगे एक चेकबॉक्स बना हुआ है, देखिए चेकबॉक्स बना हुआ है, इसको अगर मैं ये मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेता हूं तो इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये मेरा नंबर नहीं है, ये मुझे जरूरत नहीं है, यही मुझे चाहिए, ये तीनों ऑप्शंस यहां पर दिख रहे हैं। और यदि आप किसी एक मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करके ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वो भी सुविधा अवेलेबल है। और अगर आप एक से ज्यादा, जैसे मेरे को ये नंबर 3 नंबर मैंने सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद भी मैं नीचे दिए हुए रिपोर्ट के बटन पर क्लिक कर सकता हूं, यानी एक से ज्यादा नंबर की मैं यहां पर रिपोर्ट कर सकता हूं। जैसे मैं इस 9844495 वाले नंबर के लिए कहता हूं कि ये मेरा नंबर नहीं है, 79 वाले के लिए कहता हूं कि ये मुझे चाहिए नहीं है। तो ये आप एक से ज्यादा नंबर्स को यहां पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे रिपोर्ट कर सकते हैं, जो रिपोर्ट का बटन यहां पर बना हुआ है, यानी कि बहुत अच्छी सुविधा। जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए। यह सुविधा इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे कि उनके नाम पर, उनकी आधार आईडी पर कितने मोबाइल नंबर्स एक साथ चल रहे हैं। क्योंकि कई बार हम हमारे आधार नंबर पर, मान लीजिए वैसे तो बायोमेट्रिक से अप्रूव्ड होता है जब भी हम कोई सिम लेने जाते हैं, लेकिन कई बार फ्रॉड जो करने वाले लोग होते
होते हैं वो हमारे आधार का गलत इस्तेमाल यूज करके, आधार नंबर का गलत इस्तेमाल करके या हमारी आईडी का इस्तेमाल करके कोई मोबाइल नंबर कम्युनिकेशन से या कंपनी से निकलवाना ले नंबर, वो पता करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। और आपको बता दें कि इसमें कंपनी का कोई मैटर नहीं है, ये सरकार की वेबसाइट है। जैसे मेरा ये नंबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय स्क्रीन पर, ये मैं एक एयरटेल जो कंपनी है उससे चला रहा हूँ। ये जो नंबर है 9896 मैं वोडाफोन आइडिया पर चला रहा हूँ। जो 79 वाला नंबर है ये मैं जियो पे चला रहा हूँ। यानी कि जितनी भी कंपनीज में आपके जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं और आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड है, वो सभी मोबाइल नंबर्स आप एक साथ यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए जो जानना चाहते हैं कि उनके आधार कार्ड पर या उनकी आईडी पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए काफी यूजफुल हो सकती है। इस लिंक को और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस जानकारी के लिए। ये थी खास पेशकश, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज़ से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ।